अस्सलाम वालेकुम डेली व्लॉग विद शान में वेलकम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। जब भी भाई का चैनल देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज की वीडियो भी बड़ी अच्छी है, वीडियो को पूरा देखें। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताऊँगा इसके अंदर, और इसमें लोकेशन, डेट, टाइम, तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा। और इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको सैलरी बताऊँगा कि इस जॉब में आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, ठीक है जी। तो कंपनी बड़ी अच्छी है, कंपनी आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा वही चीज़ें आपको इंशाल्लाह वहाँ पर मिलेंगी और एक्यूरेट मिलेंगी, ठीक है जी। हर चीज़ आपको जो बताऊँगा वही चीज़ मिलेगी, इसके अलावा इधर उधर की नहीं बोंगियाँ मारूँगा, आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप्स बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ आए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये मैं इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ठीक है जी। तो मज़ीद जॉब्स आ रही हैं जैसे जैसे, और किसी भी कंपनी में जैसी भी जॉब आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो लाजम, ठीक है। इसमें देखे कोई इंपॉर्टेंट जॉब, तमाम जॉब्स ही यानी कि आपको पता है खास होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि हर एक जॉब आपके साथ शेयर की जाए, ठीक है। जिसमें देखें हेल्पर की भी आ जाती है, और डिफरेंट कोरियर की जॉब भी आ जाती है, अमेजोन वेयर हाउस की भी जॉब आती है, नून की भी आती है, एरामैक्स की, डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी जॉब्स मेरे पास आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें देखें फ्री हायरिंग वाली जॉब्स आती हैं ज़्यादातर, और फ्री वीज़े वाली जॉब आती हैं, फ्री रूम वाली आती हैं। तो इसमें सैलरी कुछ जो कंपनियां वो बताती हैं प्रॉपर, और कुछ जो कंपनियां वो सैलरी नहीं शेयर करती, तो वो आपको इंटरव्यू के टाइम ही तमाम चीज़ें पता चलती हैं। लेकिन मैं आपको जो लोकेशन, उसकी डेट, उसका टाइम, डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ ताकि आप रेडी होकर जाएँ इस जॉब के लिए, ठीक है। घर से आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाएँ, तमाम चीज़ें, ठीक है, ताकि वहाँ पर जाने के बाद आपको ये ना पता चले कि यार ये भी पेपर लेके आना था मिस हो गया, वो भी लेके आना मिस हो गया, घर रह गया। तो आपका देखें वो एक तो टाइम वेस्ट होगा, दूसरा ये कि वो इंटरव्यू दोबारा आने में टाइम लग जाएगा, मे बी वो 1 वीक के बाद आए, 2 वीक के बाद आए, 2 मंथ के बाद आए, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं तमाम वीडियो में बताता हूँ कि वीडियो को पूरा दिखा करें, उसके अंदर तमाम चीज़ें स्टेप बाई स्टेप बताई जाती हैं। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो यानी कि भाई के भाई से प्यार करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं टाइम से, और अच्छे यानी कि कमेंट्स देते हैं, तो उन लोगों का तमाम का शुक्रिया, ठीक है। जिससे इसी तरह अपना प्यार बना के रखें, इंशाल्लाह आगे आपके लिए बड़ी बड़ी अच्छी मैं जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की जॉब्स के मतलब आपको बताऊँ। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाने वाला हूँ, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ठीक है जी, डिफरेंट कंट्री में जाने के लिए। तो उसके लिए अगर कोई भाई अपना प्यार शेयर करना चाहता है मेरे साथ, तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ रابطہ करें, ठीक है जी। तो देखें आपके तावन से ही इंशाल्लाह मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जाऊंगा, और वहां जाके आपको अच्छी से अच्छी और डीप से डीप इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है जी। जिसमें देखें डिफरेंट कंट्रीज़ की जॉब्स के मतलब ज़्यादा होता है, और वहाँ पर पहुँचने का तरीका होता है, वहाँ पर रहने का तरीका, खाने पीने का, कि चीप से चीप आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, और मुनासिब प्राइस में कहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि अब एक छोटी सी मिसाल है, अगर कोई भाईजान अज़रबैजान जाना चाहता है कोई भाई, और यानी कि कोई यूरोप जाना चाहता है, कोई कतर जाना चाहता है, हर किसी की अपनी अपनी यानी कि ख्वाहिश होती है ना कि ये मैंने कतर जाना है, बहरीन जाना है, यूएई जाना है, या फिर यूरोप में जाना है, या फिर अज़रबैजान जाना है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों के हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। तो देखें मेरा मिशन यही है कि मैं डिफरेंट कंट्रियों में जाऊँ, और वहाँ पर जाकर आपको ए टू जेड उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, ताकि आपको सहूलियत पैदा हो सके, और यह है कि आपके लिए आसानी पैदा हो सके कि आप वहाँ पर कैसे आ सकते हैं, जॉब कैसे तलाश कर सकते हैं वहाँ पर आके, और रहने का कैसा वहाँ पे सेटअप है, और कम से कम जो रेट है रूम के वो आपको बता सकूँ, कम से कम खाने का खर्चा बता सकूँ। मैं आपको देखें चीज़ें बताता हूँ ए टू जेड, और क्लियर कट बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको इधर उधर की बोंगियाँ नहीं मारता कि यार वहाँ पर आप ना आए, उस कंट्री में ना जाए, उस कंट्री में ये हालात हैं। हर कंट्री के हालात डिफरेंट हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कोशिश यही करते हैं कि कोई ना ही वहाँ पर आए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपने दूर ना जाएं, अजीज ही देख लें, अगर किसी को पूछ लेना यार अमेरिका आना चाहता हूँ तो क्या हालात है, वही आपको बता देगा भैया नहीं इधर आना, बहुत महंगाई है, बहुत हालात ख़राब है। अगर आप सोचें किसी को यार यूएई के लगा लें मिसाल, अगर किसी से पूछे ना यूएई आना है, तो वो आपको बोलेगा ना उधर हालात बहुत ख़राब है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हालात इंसान अपने खुद पैदा करता है। अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, अच्छी स्टडी है, और आपके पास अगर कोई हुनर है,
तो आप अपने लिए बड़ा अच्छा वहाँ पर यानी कि सेटअप लगा सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि देखें इन हर इंसान की किस्मत डिफरेंट है, किसी के साथ सेम नहीं है, लेकिन यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अगर आप अब्रॉड जाते हैं, अगर आप होम कंट्री से ही अगर वीडियो देख रहे हैं और यूएई आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आके ये आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है जी, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अभी आपको जॉब्स के मतलब बताता हूँ, इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा बातें अपने एक्सपीरियंस भी। तो आज की जो जॉब है ये है जी, देखें बड़ी अच्छी कंपनी है, इतमाद वाली कंपनी है, जो भी कंपनियाँ मैं बताता हूँ वो इतमाद वाली होती हैं। ठीक है, इसमें देखें दो किस्म की जॉब्स आई हैं और दोनों जॉब्स उन लोगों के लिए जिनके पास लाइसेंस वैलिड है, ठीक है, और यूएई के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, इसमें जो पहली जॉब आई है वो लाइट व्हीकल के लिए है। ठीक है, उनके लिए बंदे चाहिए। ठीक है जी, लाइट व्हीकल के लिए बंदे चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए। ठीक है, इसमें जो कंपनी डिमांड कर रही है वो एक साल के एक्सपीरियंस मांग रही है। इसके अलावा जो कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है, इसमें देखें लाइसेंस आपका मैनुअल और ऑटो दोनों चलेंगे, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास मैनुअल और ऑटो दोनों लाइसेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को। ठीक है, इसमें एक साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, एक साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन जिनके पास नया लाइसेंस है या एक्सपीरियंस 6 महीने का है, साल का है, 2 साल का है, वो लोग लाजम अप्लाई करें। हर बंदे को लाजम अप्लाई करना चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि तमाम लोगों को जॉब मिले। ठीक है, इसमें जो कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है वो ये गौर से सुनने, आपने दोनों जॉब्स में सेम है लेकिन सैलरीज डिफरेंट है। मैं सैलरी भी दोनों की बताऊंगा वन बाई वन। तो इसको जो हम शॉर्टकट नाम देते हैं LDD, लाइट व्हीकल ड्राइवर। ठीक है जी, तो इसमें लाइसेंस 3 नंबर है। इसमें जो कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है वो जी सबसे पहले फ्री वीज़ा मिल रहा है आपको। ठीक है, फ्री वीज़ा, मैं फिर बता रहा हूँ, फ्री वीज़ा इसके अंदर, और अकोमोडेशन है, रिहाइश आपको मिलेगी कंपनी की तरफ से। इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप है, जो यानी कि आप अगर गाड़ी दूर खड़ी कर रहे हैं या किसी वेयर हाउस में खड़ी कर रहे हैं तो पिक एंड ड्रॉप कंपनी की तरफ से है। ठीक है, और ये 3 चीज़ें तो होगी, इसके साथ साथ यानी कि वो हेल्थ इंश्योरेंस होगा, वो बीच में होता है वीज़े के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट आगे आ जाती है जी, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, अरेबिक आती तो वेल एंड गुड है, इसके अलावा गोल लैंग्वेज आती वो भी वेल एंड गुड है। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। देखें ये LDD जो जॉब है, इसके अंदर जो सैलरी है, 3 नंबर लाइसेंस है, इसके अंदर जो सैलरी कंपनी दे रही है वो इन तमाम चीज़ों के साथ आपको 2000 दरम सैलरी मिलेगी। ठीक है, 2000 दरम सैलरी प्लस ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक छुट्टी है, 6 दिन वर्क है और 9 घंटे की ड्यूटी है। ठीक है जी, 9 घंटे की ड्यूटी है, इसके बाद अगर 1-2 घंटे ओवर टाइम लगते हैं तो वो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, वो सैलरी में ऐड हो जाएंगे और आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो मज़ीद मेरा ख्याल है ये सैलरी आपकी कोई 2500 तक जा सकती है, 3000 तक भी जा सकती है। ठीक है, अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो मेरा ख्याल है ये सैलरी आपकी 2500-3000 तक जा सकती है आराम से। और इसमें यह है कि देखें अगर आप खाना पीना भी आप अपना करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको सैलरी 2000 ही आपके सेविंग है। ठीक है, बाकी आप खाने पीने का जो ओवर टाइम से निकाल सकते हैं। तो इसमें जो डेट अब मैं बताने लगा, डेट और टाइम 10 बजे से लेकर 1 बजे तक इंटरव्यू का टाइम है। ठीक है, 10 से लेके 1 बजे दोपहर, तो टाइम से जाना, आपने टाइम से पहुंचना वहां पर। और तारीख इसकी है जी 13 तारीख है। ठीक है जी, 13 तारीख है जो इंटरव्यू की। ठीक है, इसमें लोकेशन मैं आपको बता दूं जहां पर आपने जाना है इंटरव्यू के लिए, ये इनोवेशन कैंप है, नियर टू पार्को सुपर मार्केट, DIP 1 दुबई। ठीक है जी, ये मैं नीचे भी शो कर रहा हूँ लोकेशन, यहाँ पर आपने चले जाना है। और जो लोग अपनी गाड़ी पे जाएंगे, टैक्सी पे जाएंगे, वेल एंड गुड, अगर जो मेट्रो या बस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये है कि DIP आपने वहाँ पर पहुँचना है, मेट्रो यानी कि स्टेशन लगता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपने चले जाना है DIP के अंदर, वहाँ पर उतरना है DIP 1 के अंदर। ठीक है, वहाँ से आपने बस पकड़नी है 47, 48 और 51, ये बसें जो हैं आपको सीधा वेरा उसके आगे ले जाएंगी, पार्को सुपर मार्केट के पास ले जाएंगी, वहाँ पर उतरना है आपने। और इनोवेशन कैंप वहाँ पर करीब ही है, वहाँ पर आपने चले जाना अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है जी, अभी मैं आपको दूसरी जॉब के मतलब बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे डॉक्यूमेंट्स थोड़े से आपके साथ शेयर कर लूँगा। दूसरी जॉब में भी देखें जो वो हैवी ड्यूटी है इसके अंदर, और 4 नंबर लाइसेंस इसके अंदर चाहिए आपको, 4 नंबर लाइसेंस। ठीक है, पहली जो है उसके अंदर 3 नंबर LDD और इसको कह देंगे HDD कह देंगे, और इसमें 4 नंबर लाइसेंस आपको चाहिए। बेनिफिट इसमें सेम ही है, वीज़ा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और इंग्लिश लैंग्वेज आनी जानी चाहिए। इसमें डिफरेंट क्या है, सैलरी डिफरेंट है।
इसमें सैलरी जो वो 2800 दरम सैलरी है प्लस ओटी है, इसमें सेम है यानी कि 6 दिन काम है, 1 दिन छुट्टी है और 9 घंटे ड्यूटी है, ठीक है जी। वही ओवर टाइम डाल डूल के इसकी सैलरी अच्छी बन जाएगी, इसमें तकरीबन आप 3500-4000 तक भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर 12 घंटे आप काम करते हैं तो। इसकी टाइमिंग भी सेम है 10 से लेके 1 बजे तक, डेट इसकी 13 तारीख है और लोकेशन इसकी सेम है। और अपने अब जाना है यहाँ पर इंशाल्लाह, आपने इंटरव्यू पे जाना है एक बार लाजम, जो लोग यानी कि इस जॉब को अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स वही सेम हर हर बार होते हैं, तो मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है उन लोगों के साथ जिनके पास यानी कि जो लोग जॉब तलाश कर रहे हैं, ठीक है जी। और पेपर पासपोर्ट की कॉपी, वीज़े की कॉपी, एमरस आई डी की कॉपी, लाइसेंस की कॉपी, कलर और अपना सी वी वगैरह बनवा लेनी अच्छी सी इसके अंदर, जिसके अंदर आपने तमाम एक्सपीरियंस अपने ऐड कर देने हैं। और इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चरें आपने साथ लगानी है और लेके जानी है, तकरीबन 12 खिंचवा लें वो आपके काम आती रहेंगी। और इसलिए मैं ये तमाम चीज़ें आपको बता दूँ ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए और साथ लेके जाएँ, ठीक है, कोई चीज़ मिस ना करें। तो उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह जो भाई लोग जाएंगे जॉब अप्लाई करने के लिए, और मेरी दुआ यही कि उनको जॉब मिले, ठीक है जी, और तमाम लोग जॉब हासिल करें जो लोग जॉबलेस हैं, और इसी तरह भाई के चैनल में बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मज़ीद आगे नई वीडियो आ रही हैं तो उनमें भी आपको अच्छी जॉब्स के मतलब पता चलेगा। तो अभी के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।